उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सहज जन सेवा केंद्र संचालक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला और उसी के ऊपर बाइक पड़ी हुई थी। सूचना पर एसपी अनुराग वत्स भी मौके पर पहुंचे। शव मिलने से आसपास दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मल्लावा कोतवाली इलाके के देवनपुर गांव निवासी 24 वर्षीय पंकज कुमार संडीला रोड पर सहज जनसेवा केंद्र चलाता है। वह जब घर नहीं पहुंच सका तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई, तो उसका शव कसियापुर के पास बीच बाग में लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसकी बाइक उसके शव के ऊपर पड़ी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बताते चले कि पुलिस की प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि युवक की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों और हथियारों का पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। आज थाना मल्लावा में ये देर रात्रि जानकारी मिली है कि एक युवक जिसका नाम पंकज है, उसको किसी ने धारदार हथियार मारा है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और इस सूचना पर फील्ड यूनिट के साथ सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और जो एविडेंसेस घटना स्थल पर मौजूद है उनको लिया जा रहा है और इसमें FIR दर्ज करके जल्द ही जो इस घटना के पीछे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं रामचंद्र हूँ, पंकज का बड़ा पापा। पंकज बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र संडीला रोड पर स्थित चलाता था। डेली की भांति बंद करके 7 बजे करीब घर के लिए निकला। समय पर घर न पहुँचने के बाद इसकी जब खोजबीन की गई तब चकनंदपुर गांव और कोसिया के बीच में जो प्राइमरी स्कूल है उसके पीछे बाग में इमृत अवस्था में मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ पाया गया। काफ़ी इसके चोटें थी सर में, बाकी जो भी धारदार हथियार से प्रहार किया गया इसके ऊपर और मृत अवस्था में पाया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।